वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज के इस वीडियो में हम वाटर सॉफ्टनिंग के एक प्रोसेस आयन एक्सचेंज प्रोसेस को समझेंगे। इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ सब हैडिंग्स की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सब हैडिंग इज इंट्रोडक्शन। ये जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, ये नाम से हमें समझ में आ रहा है आयन्स का एक्सचेंज, यानी आयन्स की अदला बदली। तो अगर हम वाटर सॉफ्टनिंग की बात कर रहे हैं तो दैट मींस हम हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन्स को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो अब हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयन्स को रिमूव करने के लिए हमें उसके बदले में कोई दूसरे आयन्स को एंटर कराना पड़ेगा। इसी को हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस कहते हैं। तो इसे हम कैसे मेंशन कर सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन्स। अब आयन्स का एक्सचेंज हो रहा है तो कम से कम दो केमिकल्स के बीच में होगा, तो इट इज अ रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन हार्ड वाटर एंड आयन एक्सचेंजिंग रेजिन्स। जो हार्ड वाटर है उसके अंदर हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स प्रेजेंट है, यानी दिस हार्ड वाटर हैविंग हार्डनेस, और वी कैन से हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर इस हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है, तो ये दो तरीके के आयन से मिलकर बना है। एक हमारे पास हुआ कैल्शियम आयन और दूसरे हमारे पास हुए क्लोराइड आयन्स। तो इसमें कैटायन भी हैं, एनायन भी हैं। ये कैटायन और एनायन इस आयन एक्सचेंजिंग रेजिन में जो भी कैटायन और एनायन प्रेजेंट होंगे उसके साथ एक्सचेंज होंगे। दैट मींस वाटर में से ये आयन्स रिमूव हो जाएंगे और इनके बदले में कोई दूसरे आयन्स एंटर करेंगे जिनके अंदर हार्डनेस प्रेजेंट नहीं होगी। तो अब ये आयन एक्सचेंजिंग रेजिन्स क्या होते हैं, इसको देख लेते हैं एक और सब हेडिंग की फॉर्म में। आयन एक्सचेंजिंग रेजिन्स। आयन एक्सचेंजिंग रेजिन्स जो हैं वो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, यानी बेसिकली दीज आर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो माइक्रोपोरस होता है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर। माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होंगे। छोटे छोटे पोर्स यानी कि अगर हम किसी क्रॉस लिंक पॉलीमर की बात करें तो ये सेंट्रल चेन जिसमें से कुछ साइड चेन्स निकली हुई हैं और ये साइड चेन्स भी इंटरकनेक्टेड हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर। और इस क्रॉस लिंक पॉलीमर के बनने की वजह से जो छोटे छोटे से पोर्स ये बीच में नजर आ रहे हैं, इन पोर्स में से वाटर मॉलिक्यूल ईजिली पास ऑन होता है। इन माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर्स के साथ साथ इनमें कुछ सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, जिन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से ही आयन्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। यानी अगर इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स ना हो और ये माइक्रोपोरस हो तो हमें इसके अंदर से वाटर पास ऑन कराने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आयन्स का एक्सचेंज प्रोसेस ही नहीं होगा। तो दीज आर क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, माइक्रोपोरस स्ट्रक्चर, हैविंग सर्टेन फंक्शनल ग्रुप्स। इन फंक्शनल ग्रुप्स के बेसिस पर हम इनको दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यानी हमारे फर्स्ट कैटेगरी के जो एक्सचेंजर रेजिन्स हैं वो हैं कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स। दीज आर कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स। इन कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स को हम RH2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर RH+ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कैटायन्स को एक्सचेंज करते हैं। यानी दीज एक्सचेंजर रेजिन्स हैविंग एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स। एसिडिक
एसिडिक फंक्शनल ग्रुप्स यानी ये हाइड्रोजन आयन इनके अंदर प्रेजेंट होगा, और हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होने की वजह से ये कौन से आयन्स को एक्सचेंज करेंगे, कैटायन्स को एक्सचेंज करेंगे. तो दीज आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायन्स. क्योंकि हम इस प्रोसेस को हार्डनेस के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायन्स यहाँ पर लिख रहे हैं. इनकी रिएक्शंस को हम आगे प्रिंसिपल के साथ समझेंगे. जो दूसरी कैटेगरी के एक्सचेंजर रेजिन्स हैं वो हमारे पास हैं एनायन एक्सचेंजर रेजिन्स. इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ एच होल्ड वाइज. तो आर की जगह आर डैश लिख लेते हैं, ऊपर हमने आर लिया है, या फिर हम लिखेंगे आर ओ एच माइनस. तो स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा है ओ एच माइनस, यानी कि इनके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, इनके अंदर एसिडिक की जगह एल्केलाइन फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे. तो दीज आर हैविंग एल्केलाइन फंक्शनल ग्रुप्स. और कैटायन एक्सचेंजर रेजिन्स के ऑपोजिट ये किसके में कैपेबल होंगे, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस को एक्सचेंज करने में, यानी दीज आर केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस. तो ये दो तरीके के रेजिन्स हैं, दोनों तरीके के रेजिन्स को यूज़ करके हम अपने इस प्रोसेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे. अब इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग मैं डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज प्रिंसिपल एंड वर्किंग. प्रिंसिपल एंड वर्किंग, तो प्रिंसिपल और वर्किंग दोनों चीज़ों को ही हम अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल रे डायग्राम एंड विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ एपरेटस विच इज़ यूज इन दिस प्रोसेस. तो प्रिंसिपल और वर्किंग में हमारे पास कैटायन एंड आयन एक्सचेंजर रेजिन दोनों प्रेजेंट हैं. तो सपोज अगर हार्ड वाटर हमारे पास है, तो इस हार्ड वाटर को हम सबसे पहले पास कराते हैं कैटायन एक्सचेंजर रेजिन के ऊपर. कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, हार्ड वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होंगे. मान लीजिए एक सॉल्ट एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल. तो जो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन है वो इसमें से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इट विल एब्जॉर्ब कैल्शियम आयन. ये कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करेगा और क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन आयन, यानी इन एक्सचेंज ऑफ कैल्शियम आयन इट विल रिलीज हाइड्रोजन आयन इन वाटर. अब जिस पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन का अमाउंट प्रेजेंट होगा, उस पानी का नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया. यानी अगर हमने अपने हार्ड वाटर को पहले कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में से पास कराया, तो वहां से मिलने वाला वाटर कैसा है, एसिडिक वाटर है. अब इस एसिडिक वाटर को हम सेकेंड एक्सचेंजर रेजिन के ऊपर से पास करेंगे, कौन सा, एनायन एक्सचेंजर रेजिन. एनायन एक्सचेंजर रेजिन, जो एनायन एक्सचेंजर रेजिन है वो किसको एब्सॉर्ब करेगा, हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायन को, यानी इट विल एब्सॉर्ब. अब इस सॉल्ट के अंदर एनायन कौन सा है, क्लोराइड आयन, इट विल एब्सॉर्ब क्लोराइड आयन. क्लोराइड आयन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कौन सा आयन रिलीज करेगा, इट विल रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन इन वाटर. जैसे ही ये हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करेगा, जो हाइड्रोजन आयन हमें यहां से मिला था, ये हाइड्रोक्सिल आयन के साथ में रिएक्शन करेगा, यानी H प्लस reacts with OH minus और क्या बनाएगा,
वाटर की फॉर्मेशन करेगा, और एक वाटर ऑलरेडी जो हमारे पास प्रेजेंट था हार्ड वाटर की फॉर्म में, वो वाटर भी इसके साथ है। दैट मीन्स जैसे ही हाइड्रोक्सिलायन वाटर में रिलीज होंगे, उस वाटर में से सारे हार्डनेस प्रोड्यूसिंग आयंस खत्म हो चुके होंगे और हमें फाइनली क्या मिलेगा, सॉफ्ट वाटर मिलेगा विच इज फ्री फ्रॉम CaCl2। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मैंने केवल एक ही सॉल्ट यहाँ आपको मेंशन किया था, CaCl2। CaCl2 के अलावा कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट जो प्रेजेंट होगा, वो सॉल्ट इसी पूरे प्रोसेस की हेल्प से इस हार्ड वाटर में से सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल और वर्किंग को एक सिंपल रे डायग्राम की हेल्प से मैंने आपको समझाया, अब हम इसको एक प्रॉपर डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें जियोलाइट आयन एक्सचेंज प्रोसेस को हम समझा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में हमारे पास ये दो कंटेनर्स हैं, जिसमें से पहले कंटेनर में दिस इज कंटेनर नंबर 1 एंड दिस इज कंटेनर नंबर 2। जो कंटेनर 1 है उस कंटेनर के अंदर कैटायन एक्सचेंजर बेड है और कंटेनर 2 के अंदर एनायन एक्सचेंजर बेड है। इस कैटायन एक्सचेंजर बेड के साथ ही हार्ड वाटर इनलेट प्रेजेंट है, इस एनायन एक्सचेंजर बेड के साथ सॉफ्ट वाटर आउटलेट प्रेजेंट है। ये हमारे पास है सॉफ्ट वाटर आउटलेट और ये हमारे पास है हार्ड वाटर इनलेट। अब इस कंटेनर 1 के अंदर हम वाटर को एंटर कराएंगे। जब हम इसके अंदर एंटर कराते हैं तो ये हमारे पास हार्ड वाटर होता है। हार्ड वाटर जैसे ही कैटायन एक्सचेंजर बेड के कॉन्टैक्ट में आएगा, जितने भी हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस पानी के अंदर प्रेजेंट हैं, चाहे वो कैल्शियम आयन हो चाहे वो मैग्नीशियम आयन हो, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इसके बदले में कौन से आयन रिलीज होंगे, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब वाटर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। अब ये जो एसिडिक वाटर है, ये एसिडिक वाटर इस दूसरे कंटेनर के अंदर पास ऑन होगा, यानी ये जो पानी हमारे पास आ रहा है ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। ये इस दूसरे कंटेनर के अंदर एंटर होगा जिसके अंदर एनायन एक्सचेंजर बेड प्रेजेंट है। ये एनायन एक्सचेंजर बेड हार्डनेस प्रोड्यूसिंग एनायंस को एब्जॉर्ब करेगा, यानी क्लोराइड आयन को, सल्फेट आयन को। इसको एब्जॉर्ब करके ये बदले में क्या निकालेगा, हाइड्रोक्सिल आयन। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर वाटर की फॉर्मेशन करेंगे और अल्टीमेटली इस आउटलेट वॉल से हमें क्या मिलेगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ये था हमारे इस पूरे के पूरे प्रोसेस का पहला पार्ट, जिसको हम कहते हैं सॉफ्टनिंग साइकिल। इस पहले पार्ट में इस इंजेक्टर का कोई रोल नहीं था, लेकिन जैसे ही हमारे कैटायन और एनायन एक्सचेंजर बेड के सारे हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन आयन खत्म होंगे, हमारे इंजेक्टर्स काम में आ जाएंगे। जब हम इंजेक्टर को यूज करेंगे तो हम इस हार्ड वाटर इनलेट वॉल्व को क्लोज कर देंगे, यानी ये यहाँ से बंद होगा, तो हमें सॉफ्ट वाटर भी नहीं मिलेगा। दैट मीन्स ये भी यहाँ से बंद है इसका आउटपुट। अब जो पहला इंजेक्टर है, इस इंजेक्टर के अंदर है एसिड रीजनरेटर, जिसको हम कहेंगे कैटायन रीजनरेटर, यानी एसिड की जगह हम और क्या कह सकते हैं, कैटायन रीजनरेटर। ये कैटायन रीजनरेटर जैसे ही इस कैटायन एक्सचेंजर बेड के ऊपर डाला जाएगा, तो जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन थे, ये आयंस यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन एक्सेस अमाउंट के साथ में रिलीज हो जाएंगे और इनको हम इस सिंक की हेल्प से कलेक्ट कर लेंगे। तो जितने भी कैल्शियम मैग्नीशियम इस कैटायन एक्सचेंजर के अंदर एब्जॉर्ब हुए थे, वो सारे के सारे रिमूव हो गए। सेम ऐसे ही दूसरा प्रोसेस हम कराएंगे दूसरे इंजेक्टर के साथ, जो एल्केलाइन रीजनरेटर है, जिसको हम कहेंगे एनायन रीजनरेटर। ये एनायन रीजनरेटर जब इस एनायन एक्सचेंजर बेड के ऊपर जाएगा, तो इसका काम भी आयंस को एक्सचेंज करना है, यानी ये इन कैल्शियम और सल्फेट आयंस को यहाँ से रिलीज करेगा और ये रिलीज होने वाले एक्सेस अमाउंट ऑफ इंजेक्टर के साथ में सिंक की हेल्प से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये जो दूसरा प्रोसेस है, इस दूसरे प्रोसेस को हम कहते हैं रीजेनरेशन साइकिल। तो दो प्रोसेस हम इस पूरे डायग्राम की हेल्प से समझ रहे हैं, पहला सॉफ्टनिंग साइकिल और दूसरा रीजेनरेशन साइकिल। तो आई होप आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो प्रिंसिपल के रे डायग्राम के साथ में। तो अब ये जो सॉफ्ट वाटर हमें मिला है, सॉफ्ट वाटर के मिलने में, यानी यहाँ हार्ड वाटर इनलेट से लेकर सॉफ्ट वाटर आउटलेट तक और रीजेनरेशन प्रोसेस तक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से उन केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से हम अपने पूरे प्रोसेस को समझते हैं।
रिएक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पहली सॉफ्टनिंग साइकिल और दूसरी रीजेनरेशन साइकिल। तो पहली हमारे पास है सॉफ्टनिंग साइकिल, जिस साइकिल में हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सॉफ्टनिंग साइकिल में भी हम रिएक्शंस दो अलग अलग रेजिन्स के ऊपर करा रहे हैं। तो पहला रेजिन जो हमने यूज़ किया है अपने प्रोसेस में वो है कैटायन एक्सचेंजर रेजिन। कैटायन एक्सचेंजर रेजिन, तो इस कैटायन एक्सचेंजर रेजिन के रिएक्शंस को देखते हैं। जो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन है इसको हमने रिप्रेजेंट किया था RH2 से। ये RH2 यानी कैटायन एक्सचेंजर रेजिन अपने हाइड्रोजन आयंस का एक्सचेंज करता है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग कैटायंस के साथ में। तो अगर पानी के अंदर सपोज कैल्शियम आयंस प्रेजेंट हैं तो वो इस कैटायन एक्सचेंजर रेजिन के साथ रिएक्शन करके RCA की फॉर्मेशन करेंगे और साथ में हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर रिलीज हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर इस रिएक्शन को हम कैल्शियम आयन की जगह मैग्नीशियम आयन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी सेम कंडीशन हमारे पास है, RCA की जगह RMG की फॉर्मेशन और साथ में हमें मिला हाइड्रोजन आयन। ये RH2 हमारे पास है कैटायन एक्सचेंजर रेजिन और बनने वाला जो RMG है दिस इज एग्जॉस्टेड रेजिन। यानी जैसे जैसे हम रिएक्शंस को प्रोसीड कराते जा रहे हैं जो हमारा कैटायन एक्सचेंजर रेजिन है ये धीरे धीरे यूटिलाइज होके एग्जॉस्ट होता चला जा रहा है और वाटर को सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट करता जा रहा है। अगर इस रिएक्शन को हम आयन की जगह पूरे सॉल्ट के साथ लिखें तो हम देख सकते हैं RH2 प्लस मान लीजिए CaCl2, यानी हमने कंप्लीट सॉल्ट ले लिया जिसमें कैटायन और एनायन दोनों हैं, तो फॉर्मेशन हुई RCA। ये जो R है ये CA के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये जो H है ये Cl के साथ। यानी जहां ऊपर वाली रिएक्शन में हम H+ लिख रहे थे अब यहाँ H+ की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से हमने ये समझा था कि जब वाटर कैटायन एक्सचेंजर रेजिन में से पास ऑन होता है तो जो पानी हमें मिलता है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सच काइंड ऑफ एसिड्स। एक और रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। RH2 प्लस मान लीजिए इस बार रिएक्शन है मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, तो फिर सिमिलर प्रोसेस में रिएक्शन होगी, हमें मिलेगा RMG प्लस H2SO4, यानी इस बार बनने वाला एसिड कौन सा हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम चाहें तो रिएक्शन को इस आयनिक फॉर्म में लिखें, हम चाहें तो रिएक्शन को इस कंप्लीट सॉल्ट की फॉर्म में लिखें। जो वाटर हमें मिलेगा इस प्रोसेस के बाद में उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब इस एसिडिक वाटर को हम किस में पास करेंगे, एनायन एक्सचेंजर रेजिन में पास करेंगे। जैसे ही हमारा पानी एनायन एक्सचेंजर रेजिन के कॉन्टैक्ट में आएगा जो एसिडिक वाटर हमारे पास है वो एसिडिक वाटर फर्दर रिएक्शन करेगा, यानी जो सेकंड रेजिन है दैट इज एनायन एक्सचेंजर रेजिन इस एनायन एक्सचेंजर रेजिन के रिएक्शन देख लेते हैं। एनायन एक्सचेंजर रेजिन को हमने रिप्रेजेंट किया था R-OH2 से और ये एनायन एक्सचेंजर रेजिन अब किसके साथ में रिएक्शन करेगा, एनायंस के साथ में। कौन से एनायंस होंगे, जो हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सॉल्ट्स के रिमेनिंग एनायंस हैं। यानी अगर मान लीजिए हम इस एनायन एक्सचेंजर रेजिन के ऊपर से अपने एसिडिक वाटर को पास ऑन कर रहे हैं और उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है जो कि किसी भी कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट के रिजल्टेंट की फॉर्म में बचता है, तो इस रिएक्शन से जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये हमारे पास हो जाएगा RCl2 प्लस 2OH-, यानी इस R- की रिएक्शन से ये Cl2 जो भी नेगेटिव आयन हमारे पास होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और जितना भी हाइड्रोक्सिल आयन होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज हो जाएगा। अगर हम इस रिएक्शन को R-OH2 में सल्फेट आयन की फॉर्मेशन के साथ में दिखाते हैं SO4 2- नेगेटिव, तब भी रिएक्शन इसी तरीके से प्रोसीड होगी।
यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट आर डैश एस ओ फोर प्लस टू ओ एच माइनस। तो जो पहली रिएक्शंस हमने देखी हैं, उन पहली रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो एसिड की फॉर्म में मिल रहा है, ये एच प्लस। लेकिन अगर इसी वाटर को हम फर्दर पास ऑन कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो ओ एच माइनस की फॉर्म में मिल रहा है। तो रिलीज होने वाला हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अगर इन रिएक्शंस को हम कंप्लीट फॉर्म में देखें, आयनिक फॉर्म में ना देखें, आर डैश ओ एच होल ट्वाइस प्लस सी एल एच सी एल की फॉर्म में प्रेजेंट हुआ कैटायन एक्सचेंजर एजेंट से पास ऑन होने के बाद में, तब भी ये रिएक्शन इसी तरीके से होगी, आर डैश सी एल टू प्लस टू एच टू ओ। अब ये H और ये OH, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की। सिमिलरली R डैश ओ एच होल ट्वाइस प्लस एच टू एस ओ फोर, यहाँ पर फॉर्मेशन हुई R डैश एस ओ फोर प्लस टू एच टू ओ, यानी वाटर मॉलिक्यूल की। और ये R डैश एस ओ फोर या R डैश सी एल टू, दीज आर Exhausted resins। अब इस पहले पार्ट सॉफ्टनिंग साइकिल में हमारे जो भी रेजिन हमने यूटिलाइज किए थे, चाहे वो कैटायन एक्सचेंजर रेजिन हो चाहे वो एनायन एक्सचेंजर रेजिन हो, दोनों ही एग्जॉस्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब इनको रीजेनरेट करने के लिए हम सेकेंड साइकिल की तरफ बढ़ेंगे, विच इज रीजेनरेशन साइकिल। जो रीजेनरेशन साइकिल है उसमें हम दो तरीके की रिएक्शंस देखते हैं। पहली रिएक्शन आती है फॉर कैटायन रीजेनरेटर और दूसरी आएगी एनायन रीजेनरेटर। कैटायन एक्सचेंजर को रीजेनरेट करने के लिए हम रिएक्शन प्रोसीड कराते हैं किसी भी एसिड के साथ में। अब कैटायन रीजेनरेटर एग्जॉस्टेड फॉर्म में कैसा था, हमने ये रिएक्शन लिखी आर सी ए आर एम जी, ये क्या है, एग्जॉस्टेड कैटायन रेजिन्स हैं। तो इन एग्जॉस्टेड कैटायन रेजिन्स की रिएक्शन अब हम दिखाएंगे किसी एसिड के साथ में, यानी फॉर कैटायन रीजेनरेटर वी यूज एसिड्स फॉर रीजेनरेशन प्रोसेस। हमारे पास था एग्जॉस्टेड आर सी ए, इस आर सी ए की रिएक्शन हम करा रहे हैं एच सी एल के साथ में। तो अब फिर से आयंस का एक्सचेंज हुआ, ये एच इधर आर के पास आ जाएगा, तो ये हमारा आर एच टू की फॉर्मेशन प्लस सी ए सी एल टू। ये आर सी ए था एग्जॉस्टेड रेजिन, और RH2 क्या बन गया, रीजेनरेटेड रेजिन। सेम ऐसे ही RCA की जगह अगर हम RMG के साथ रिएक्शन कराते हैं, और मान लीजिए HCl की जगह हमने H2SO4 ले लिया, यानी कोई भी माइल्ड एसिड हम ले सकते हैं, तब भी रिएक्शन में इसी तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगी RH2 प्लस MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और ये बनने वाला कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड के साथ में अलग निकल जाएगा, जिसको हम सिंक में कलेक्ट करेंगे। तो ये दो रिएक्शंस तो हमारे कैटायन रीजेनरेटर के लिए थी। अगली हम देखते हैं फॉर एनायन रीजेनरेटर। जो एनायन रीजेनरेशन प्रोसेस होगा, यानी एनायन को रीजेनरेट करने के लिए हम रिएक्शन कराएंगे विद एल्कली सॉल्यूशंस। जितने भी हमारे एग्जॉस्टेड एनायन एक्सचेंजर रेजिन था उसको हमने रिप्रेजेंट किया था आर डैश सी एल टू से या आर डैश एस ओ फोर से, तो इन्हीं के साथ इस रिएक्शन को मेंशन करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है आर डैश सी एल टू, इसकी रिएक्शन सपोज हम करा रहे हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के सॉल्यूशन के साथ में, तो अब ये R डैश इस OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और सोडियम Cl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर कन्वर्जन हुआ R डैश OH होल ट्वाइस प्लस 2 NaCl। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास है R डैश SO4 और इसकी रिएक्शन सपोज हम KOH के साथ करा रहे हैं, तो एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा रीजेनरेटेड रेजिन R डैश OH होल ट्वाइस और साथ में पोटेशियम सल्फेट। तो इन रिएक्शंस के बेसिस पर हम अपने रेजिन्स को रीजेनरेट कर सकते हैं। ये दोनों हमारे पास एग्जॉस्टेड है और ये हमारे पास रीजेनरेटेड है। एक बार जब रीजेनरेटेड हो जाएंगे यानी रीजेनरेशन प्रोसेस को हम कंप्लीट करा चुके होंगे, तो उसके बाद हम अपने सॉफ्टनिंग साइकिल को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी इस प्रोसेस में हमें बीच में एक बार ब्रेक लेना कंपलसरी होता है। जैसे ही हमारे रेजिन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके अंदर के सारे हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयंस खत्म हो जाते हैं, तब हम प्रोसेस को स्टॉप करते हैं और फिर हम स्टार्ट कराते हैं प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन। तो अभी तक के इस पार्ट में आपने इसका इंट्रोडक्शन समझा, दोनों टाइप के रेजिन्स समझे, वर्किंग प्रोसेस समझा विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक डायग्राम और इन्वॉल्व रिएक्शंस को देखा। अब इस सारे के सारे पूरे मैटर के बेसिस पर हम इस प्रोसेस की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। ये इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज़ होने वाला प्रोसेस है और इस प्रोसेस से जो मिलने वाला वाटर है उसकी हार्डनेस बहुत ही कम होती है, यानी ये बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। और इस मेथड से जो वाटर हमें मिलेगा उसकी हार्डनेस बहुत ही कम होगी, मिलने वाला वाटर जो होगा उसकी हार्डनेस 2 ppm तक होगी। यानी इसको हम कंसिडर करेंगे प्योर यानी कि सॉफ्ट वाटर की फॉर्म में कंसिडर करेंगे, अप टू 2 ppm हार्डनेस। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमने देखा कि हम दोनों तरीके के आयंस को रिमूव कर रहे हैं, यानी रिमूवल ऑफ केटायन एज वेल एज एनायंस, रिमूवल ऑफ केटायंस एज वेल एज एनायंस। बल्कि इससे पहला जो प्रोसेस हमने पढ़ा था जियोलाइट प्रोसेस, उसमें हमने केवल और केवल केटायंस को रिमूव किया था, एनायंस को हमने एज इट इज वाटर के अंदर छोड़ दिया था, जो एनायंस एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हुए थे। तो इस रिमूवल ऑफ केटायन और एनायन का एक और एडवांटेज हमें मिलता है कि इस प्रोसेस को हम हाईली एसिडिक या अल्कलाइन वाटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी वी कैन अप्लाई द प्रोसेस फॉर हाईली एसिडिक एंड एल्केलाइन वाटर, क्योंकि हम दोनों तरीके के आयंस को रिमूव कर रहे हैं, चाहे वो कैटायंस हो या फिर वो एनायंस हो। अब इस प्रोसेस की कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेजेस के कंपैरिजन में वो डिसएडवांटेज थोड़ी कम है। सबसे पहली जो डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस की, वो है कि जो प्रोसेस है वो कंटीन्यूअस नहीं है, इट इज नॉट ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। क्यों नहीं है कंटीन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि हमें बीच में ब्रेक देकर रीजेनरेशन प्रोसेस को कराना पड़ता है। दूसरा, ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि जो रेजिन्स हम यूज़ करते हैं उनका रीजेनरेशन भी करते हैं, तो उन रेजिन्स की कॉस्ट एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स विच आर यूज फॉर वाटर सॉफ्टनिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। और तीसरा डिसएडवांटेज होता है कि, या इसको हम लिमिटेशन भी कह सकते हैं डिसएडवांटेज की जगह, लिमिटेशन यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ मैं। इस लिमिटेशन के बेसिस पर जो वाटर है उसके अंदर टर्बिडिटी बहुत कम होनी चाहिए, यानी वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम टर्बिडिटी।
या हम ये कह सकते हैं कि जो टर्बिडिटी है दैट शुड बी अप टू 10 ppm. अगर 10 ppm से ज़्यादा टर्बिडिटी पानी के अंदर है तो हम इस प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो रेजिन्स यूज़ किए हैं वो कैसे हैं, वो हमारे पोरस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, उनके बीच में जो पोर्स हैं, अगर उन पोर्स में ये टर्बिडिटी इकट्ठी हो जाए यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाएँ, तो उन छोटे छोटे पोर्स के अंदर ये जैसे जैसे गंदगी जमती जाएगी ये इस पोर को बंद कर देंगे, जिसकी वजह से जो वाटर का आउटलेट है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और अगर ये पोर्स बंद हो गए तो दैट मीन्स हमारा इनलेट तो है लेकिन हम वाटर को आउटलेट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे इस प्रोसेस की मेन डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो यू कैन फ्रीली आस्क। Thank you so much.